आज मैं आपको मालदीव्स के हवाले से एक रिसर्च बताने वाली हूँ कि वहाँ पर एक सोलर होटल कायम किया गया है। वो क्या है जनाब? ये है शमसी होटल, जिसकी छत पर शमसी पैनल नस्ब किए गए हैं और अंदर की हर शय को माहौल दोस्त बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया जनाब? इसे न्यूयॉर्क के एक मशहूर आर्किटेक्चर कंपनी है, उसने डिज़ाइन किया है और इसको प्राइवेट आइलैंड का नाम दिया गया है। जनाब होटल की अंदरूनी साख की बात की जाए तो इसको इसके अंदर हर बड़ी चीज़ जो है वो माहौल दोस्त है। इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि ये नेचर फ्रेंडली चीज़ हो और इसके साथ साथ टूरिज्म को बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाए। इस होटल की बात की जाए तो इसकी छत पर सोलर पैनल को ख़ास ज्योमेट्रिकली जो है शक्ल दी गई है कि वो दिन भर अच्छी तरह से धूप जो उसमें जमा कर सके और साथ साथ जो उसके अंदर नेचुरल लाइट है वो भी होटल के अंदर दाखिल हो सके, ताकि जो आर्टिफिशियल लाइट है, मस्नूई रोशनी, उस पर कम से कम इन्हिसार किया जाए। 320 किलोवाट बिजली बनाने वाला शमसी निज़ाम मौजूद है, जो तकरीबन 7.5 एकड़ के रकबे पर मुहित है और तवानाई फराहम करता है, और इसके लिए आपको किसी डीजल या जनरेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। शमसी पैनल की कीमत की बात की जाए तो 5 साल में वसूल हो जाएगी जितने के ये लगा है। और जनाब इसमें है कमरों और घरों में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर जो है ये कैनेडा, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया से मंगवाया गया है, और ये नहायत ही पायदार और नेचर फ्रेंडली जो है ये फर्नीचर मौजूद है। और इसमें हर तरह के जो रूम्स हैं उनमें बेड से लेकर हर तरह की चीज़ जो है वो हाथों से तैयार की गई है, यानी जितना फर्नीचर पड़ा हुआ है वो हैंडमेड फर्नीचर है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके अलावा आप समंदरी नज़ारे जो यानी कि सी व्यू आइलैंड के ऊपर आप इर्द गिर्द जो सी है उसको प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे, इस बात को भी यकीनी बनाया गया है। तो जनाब मालदीव्स में ये बहुत ज़बरदस्त एक होटल बनाया गया है, इसकी आप पिक्चर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सारे जो उस पर छत है ये बेसिकली दीज आर द सोलर पैनल्स, और इनके दरमियान में जो स्पेस है उससे नेचुरल लाइट जो है वो एंटर होती है, और साथ में पूरा व्यू भी है वो सी का व्यू है। जनाब ये होटल जो वेकेशन प्लान करें मालदीव जाने के लिए, उनके लिए ये अच्छी डेस्टिनेशन होने वाली है कि वो अपना अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड करें।